गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय व स्कूल ऑफ नर्सिंग गंगोत्री देवी के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि वरिष्ठ भौतिक विद परमात्मा श्रीवास्तव रहे। आपको बता दें कि महाविद्यालय की प्रबंधक रीना त्रिपाठी और सभी शिक्षकों ने मिलकर केक काटकर शिक्षक दिवस मनाया तथा रीना त्रिपाठी ने सभी शिक्षकों को माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिसके संबंध में गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय की प्रबंधक रीना त्रिपाठी ने बताया कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी शिक्षक और छात्राओं को शुभकामना देती हूँ और माँ पहले शिक्षक होती है जो अपने बच्चों को सबसे पहला ज्ञान देती है। एक कुम्हार जैसे मिट्टी के बर्तन को दिशा देता है, वैसे ही टीचर हमारे जीवन को सवारते हैं। जब हम टीचर को सम्मान देंगे तभी हम सम्मान पाएंगे। अपने टीचर्स को सम्मान दो और जीवन भर सम्मान पाओ। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला, प्रोफेसर मधु सत्यदेव, डॉक्टर संगीता पांडे, डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, स्नेहा पांडे, डॉक्टर सुषमा मिश्रा, डॉक्टर शीला तिवारी, डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव सहित अन्य शिक्षक एवं छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय की शिखा पांडे एवं डॉक्टर नैन्सी जायसवाल तथा प्रबंधक रीना त्रिपाठी ने कहा, शिक्षक दिवस के लिए मैं उनके आयोजन के लिए धन्यवाद भी करती हूँ
कहना चाहती हूँ वो तो बहुत पहले के हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जिस समय कहा गया होगा उस समय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पा, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताए। सच्चाई है माँ जन्म देती है, प्रथम शिक्षिका माँ होती है। स्नेहा पांडे, टीचर्स डे के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि टीचर्स सिर्फ वही नहीं होते हैं जो हमें स्कूल में या किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, टीचर्स वो लोग होते हैं जो हमें सच्ची ज्ञान देते हैं, सच्चे मार्ग पर चलना सिखाते हैं। और आज टीचर्स डे है तो हम अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं अपने लिए कि मैं भी एक टीचर हूँ और मैं इस कॉलेज में पढ़ाती हूँ। और मैं हमेशा बच्चों को मोटिवेट करती हूँ कि वो सच्चे रास्ते ही चुने जिसमें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई हो, और वो आगे बढ़ करके और बाकी लोगों को भी ज्ञान दें और आगे बढ़ें। डॉक्टर नैन्सी जायसवाल, एक्चुअली टीचर्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए, क्योंकि आज सारे जितने भी टीचर्स हैं, जितनी भी एजुकेटेड पर्सन है जो अपने स्टूडेंट को एजुकेट करते हैं, उन्हें शब्दों का बोध सिखाते हैं या लाइफ लेसन सिखाते हैं, तो उनके लिए टीचर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीचर डे का मतलब ये नहीं है कि स्पेशली फॉर टीचर्स, टीचर डे का मतलब ये है कि वो इंसान जो आपको आपके लाइफ में गाइडलाइन करता है, जैसे आपके पेरेंट्स, जैसे आपकी मदर जो कि आपकी फर्स्ट टीचर होती है, एंड सेकेंड टीचर आपका गुरु होता है जो आपको अक्षरों के बारे में बताता है। तो एक ऐसा इंसान जो आपको लाइफ लेसन सिखाए, जो आपको सही राह दिखाए, वो आपके मायने में आपके नज़रिए से वो आपके लिए एक हैप्पी टीचर्स डे की तरफ से उनको विश करना चाहिए। एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सारे स्टूडेंट को, ऑल स्टूडेंट हैप्पी टीचर्स डे, एंड आप अपने लाइफ को इसी तरीके से इम्प्रूव करते रहिए और एक वक्त ऐसा लाइए कि आप हमारे जगह पर खड़े होकर के भी मतलब दूसरों से विशेष लीजिए कि हैप्पी टीचर्स डे एंड सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं रीना त्रिपाठी, आज शिक्षक दिवस पे गंगोत्री देवी महाविद्यालय एवं स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की तरफ से शिक्षक दिवस के उपलब्ध में समस्त शिक्षकों को नमन करती हूँ और सबको मैं अपनी तरफ से आदर आभार प्रकट करती हूँ। शिक्षक का जो रोल है जीवन में, इसको एक लाइन से समझा जा सकता है कि अगर टीचर नहीं होता तो क्लास नहीं चलती, वैसे ही टीचर नहीं होता तो जीवन में क्लास नहीं मिलती। यहाँ क्लास का भाव एक स्टेटस से है, तो जब हम टीचर्स को सम्मान देंगे तभी हम सम्मान पाएंगे। ये मैं नेक्स्ट जनरेशन को एक आशीर्वाद के रूप में एक वाक्य देना चाहती हूँ कि अपने टीचर्स को सम्मान दो और जीवन भर सम्मान पाओ। धन्यवाद।